वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एंड प्यू। और ये साल का आखिरी वीडियो, अब मिलेंगे नए साल में, मतलब नए साल का मतलब कल मिलेंगे आप लोगों से। और सभी लोगों को, जितने भी हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड एडवांस, ठीक है। सबको एडवांस में मैं हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूँ, बाकी तो कल तो मिलेंगे ना नए साल में। तो थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो आपको आज का जो वीडियो है ना लास्ट वाला, और एक्चुअली मैं, आप समझ गए, मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ बिस्किट से, ओरियो बिस्किट से, ठीक है। कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, चॉकलेट अगर केक बनाना चाहते हैं चॉकलेट वाला बिस्किट लीजिए बस, ओरियो हो या कोई भी कंपनी चलेगी, ठीक। तो थोड़ी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, मैनेज कर लेना। और केक वेक बनने में टाइम लगता है, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट किया तब ठीक, थोड़ा सा मैंने महसूस किया तब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। लास्ट वीडियो है आज का, मतलब लास्ट वीडियो क्या है, इस साल का लास्ट वीडियो है, और कल से नए साल में तो वीडियो आपको मिलेगा कंटिन्यू, जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे तबीयत ख़राब होती है तो समझ सकते हैं, नहीं हो पाता है, वीडियो आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा, उसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से केक बनाते हैं, बढ़िया सा क्रीम वाला, चॉकलेट क्रीम वाला जैसे मार्केट में मिलता है। कोशिश तो पूरी हमारी वही रहेगी, घर में हम आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो वही बनाने वाले हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। नया साल है, आप भी बनाइए, बर्थडे है लोगों का, बहुत सारी चीज़ें होती है। चलो फटाफट तैयार करते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने लिए हैं 3 पैकेट 10 वाले ओरियो, ठीक है, और ओरियो ओरियो चॉकलेट बिस्किट। तो हम इन्हें फाड़ लेंगे पूरा, मतलब निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। और ओरियो के अलावा कोई भी चॉकलेट वाला 5 रुपए वाला भी आता हो ना, वो भी आप ले सकते हैं, मैंने ओरियो लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि थोड़ा इसका टेस्ट बढ़िया होता है। तो ये हम सब इनको निकाल लेंगे और इनको हम अलग कर लेंगे। सारे बिस्किट हम खोल लेंगे। तो फैमिली मैंने देखिए इधर सारे बिस्किट निकाल लिए, और उसके बाद इसकी हमें बीच की क्रीम निकालनी है। क्रीम निकाल के इनको हम, ये बिस्किट देखिए इतने सारे क्रीम मैंने निकाल दिए, और इसको ग्राइंड कर लेंगे, या तो किसी चीज़ से जैसे हम इसको मसल लेंगे, कूट लेंगे, ठीक है। जैसे नहीं ग्राइंड करना चाहते तो कोई पन्नी में रख के बेलन से आप इसको चूरमा बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं सारी क्रीम में निकाल ले रही हूँ सारे बिस्किट के, और इनको ग्राइंड करके हम मिलते हैं। तो इन बिस्किट को हम चूरा कर लेते हैं पहले। तो गाइस हम एक बर्तन लेंगे, इसको इस तरह से मैंने ऐसे ही, मतलब एकदम चूरा नहीं बनाया, तोड़ लिया, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना दूध डालेंगे, और थोड़ा ही डालेंगे, मतलब ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और दूध डालेंगे वैसे भी ये मेल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा हम छोड़ देंगे तो ये फूलने लगेगा, थोड़े से दूध में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और दूध हमें याद रखना है कि गुनगुना ही डालना है, ठंडे दूध में नहीं होगा, ठीक है। अभी ये देखिए अच्छे से ये पिघलने लगा है, और इसको हम थोड़ा छोड़ देंगे। तो गाइस छोड़ने के बाद थोड़ा इस तरह से हो गया, और देखिए पूरा जो बिस्किट था मेल्ट हो गया है। और हमें इसी तरह से इसका इतना ही हमको बैटर ऐसे तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे देखिए ना, बिल्कुल ऐसे गिरना चाहिए। तो बस ऐसे ही फॉर्म में हमको एक चाहिए, लिक्विड चाहिए इसका, ठीक है। अब हम इसमें डालने वाले, बाकी इसमें और वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस दूध से ही मेल्ट मिलाने के बाद इसको हम सीधा मोल्ड में डालेंगे, मतलब इसका जो जिसमें हम अपना केक बनाने वाले हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा अब अपना वही खाने वाला सोडा और कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, बेकिंग कस्टर्ड कह रहे हैं, बेकिंग पाउडर, बेक पाउडर, तो आधा चम्मच करीब ये डाल देंगे, इसी में मेरा मिक्स है, और आधा चम्मच
शक्कर, ठीक है, और डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से ताकि ये अपना काम करना शुरू करे और ये लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसको डालने के बाद ये जो मिक्सचर है लाइट हो जाता है। अब फटाफट से हम इधर अपना उसको भरने की तैयारी करते हैं जिसमें हमें केक बनाना है। तो गाइस बस इसमें हमने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है, आप इसमें बटर भी लगा सकते हैं और बटर पेपर लगा के उसको ग्रीस कर लीजिएगा। मैं बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट इसमें अप्लाई करूँगी। और आप इसको किसी भी टिफ़िन या स्टील के बर्तन, भगोने या आप जिसमें फ्राई पैन चाय बनाते हैं ना उसमें भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसा कुछ कटोरा हो तो ही आप बनेगा केक, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो घर में ही हमारा केक बेहतरीन सा तैयार हो सकता है, बस करने वाली बात होती है। तो यहाँ पर मैं इसको ग्रीस कर चुकी हूँ, पूरा चारों तरफ मैंने अच्छे से इसका तेल लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें बाद में केक निकालना होता है ना, इसलिए। तो हमने लगा लिया है, अभी इससे हम एक बार और मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, है ना। और आप देखिए कितना परफेक्ट बैटर हमारा तैयार हुआ है। अब फटाफट से इसमें हम डाल देंगे, देर बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा सा दिखाओ दूर से, तो हम इसमें सारा डाल देंगे। तो गाइस हमने डाल लिया है और इसको दो से तीन बार हम डीप कर देंगे क्योंकि इसका जितने बबल्स होंगे ना तो वो बाहर एयर होगी निकल जाएगी। तो बस इसको फटाफट से हम इसको करने के बाद सीधे चलेंगे गैस के पास। और गैस में मैंने पहले से ही, आप कढ़ाई में, कुकर में, किसी चीज़ में भी, मेरा ऐसा स्टैंड है आपके पास जो भी हो आप, तो फैमिली मैंने इसको बहुत अच्छे से हीट कर लिया, बहुत गर्म भी है। और इसी समय हम फटाक से इसमें ये रख देंगे ताकि हमारा परफेक्ट केक तैयार हो, ठीक है। अच्छे से रख देंगे, अब लो टू मीडियम गैस पे हम रख देंगे और 30 से 40 मिनट हम इसका वेट करेंगे, ठीक है, पकने का। तो हम इसको ढक देते हैं। हाँ तो गैस हम बनाने जा रहे हैं क्रीम, जो हम क्या बोलते हैं केक को फुल क्रीम बनाएंगे ना, तो हम घर में ही फ्रेश मलाई ले रहे हैं यहाँ पे, दूध की मलाई। तो मैंने 2 चम्मच करीब ये मलाई ले ली है, देख लीजिए आप, बहुत अच्छी सी ये क्रीम तैयार होगी यहाँ पे। और फ्रेश, आप समझ सकते हैं, फ्रेश मलाई, घर की मलाई और घर के दूध से, है ना। तो और इसमें हम यही अपनी जो हमने क्रीम निकाली थी ना, आप देख सकते हैं ये क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो गाइस इसको हमने मिक्स कर लिया है, मलाई और वो जो मैंने क्रीम निकाली थी ना बिस्किट से, तो बिल्कुल चॉकलेट नहीं लेकिन हाँ चॉकलेट का जो हल्का लाइट वाला फ्लेवर होता है ना वही बनेगा। तो इसमें हम थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेंगे, 2 से 3 चम्मच। उसके बाद हमें बस इसको मिक्सिंग करने का ही रहता है, अगर आप थोड़ी देर मिक्स करेंगे ना तो वाली क्रीम बन जाती है बढ़िया सी, आप देखिएगा बहुत अच्छी सी इसकी क्रीम बन के तैयार हो जाएगी। तो बस इसी तरह हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी घर में बढ़िया से फुल क्रीम तैयार हो जाएगी, जो हम हमारे जो केक में लगने के लिए होता है ना, और घर की टेस्टी क्रीम बनेगी और स्वादिष्ट भी रहेगी, हेल्दी भी है क्योंकि आप जानते हैं ओरियो बिस्कुट बहुत ही हेल्दी होता है। और घर की मलाई से बना रहे हैं, आप देखिए कितनी ज़रा सी मलाई थी, मैंने इतनी देर से ये किया है तब देखिए कितना अच्छा सा फूल गई है। इसी तरह क्रीम बनती है और जब हम बना रहे, क्योंकि मेरे पास अगर ब्राइंडर होता ना, ब्राइंडर से बहुत जल्दी हो जाता, आपके पास हो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ, हाथ से भी हो जाता है बस थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए कितनी अच्छी सी व्हिप क्रीम बन रही है बढ़िया सी, तो इसी तरह हम बना लेंगे। जब तक उधर हो रहा है इधर हम क्रीम तैयार कर लेते हैं, थोड़ी सी हल्की सी चॉकलेटी आएगी क्योंकि इसमें क्रीम पड़ी है, हल्का सा चॉकलेट फ्लेवर आएगा बस। तो गाइस अभी हम बनाने जा रहे हैं एक पार्ले बिस्किट से, उसका मतलब थोड़े से गुलाब बनाएंगे उसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते कैसे इसको बनाते हैं, पहले इसको हम पीस लेंगे।
बिल्कुल बारीक जैसा, थोड़ा सा बारीक जैसा पीस लेंगे। ठीक है, इसको चूरा बना लिया है। ठीक है, इस बिस्किट में हम थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा दूध डालेंगे, 1 से 2 चम्मच जैसे डाल के इसको हम जैसे एक आटा बना वो बनाते हैं ना, आटे का डो तैयार करते हैं, एकदम से एक साथ हमें दूध नहीं डालना है, तो हम इसी तरह इसको देखिए इतने में अच्छा सा ये डो बन के तैयार हो जाएगा जैसे हम आटा सानते हैं बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि इतने ही दूध में सिर्फ मैंने 1 चम्मच के करीब दूध डाला था एक पैकेट में, आराम से इतना सारा आपका बढ़िया सा बन जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट ये बन जाएगा, हल्का सा हम छींटे मारेंगे इस पर दूध के, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो गाइस देखिए गूंथने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है ये बिस्किट, है ना। तो बस इसमें हम थोड़ा सा, आप कोई भी कलर का फूल बनाना चाहें, मैं थोड़ा ये खाने वाला रेड फूड डाल रही हूँ, कलर डाल रही हूँ, आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, मैं सूखा जो मेरे पास है वो डाल रही हूँ, आप हरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे रेड कलर इसमें मिक्स कर हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं एक अच्छा सा रेड कलर का डो तैयार हो गया है, रेड समझ लीजिए या ऑरेंज थोड़ा जैसा भी आया है। ठीक है, अब इसकी हम छोटी छोटी सी दो तरह के हम फूल बनाना आपको सिखाएंगे, है ना, गुलाब के फूल बनाने वाले हैं और छोटी छोटी बॉल्स हम तोड़ लेंगे। तो फैमिली मैंने देखिए तोड़ लिया और इसको हम इस तरह से गोल 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 कर लेंगे, और करने के बाद हम थोड़ा सा इसको इसे दबा लेंगे जिसे हम गुलाब की पंखी करते ना, तो बस बहुत अच्छा सा चिकना चिकना सा ये तैयार हो जाएगा बनके, बढ़िया सा, और फटेगा भी नहीं, बढ़िया सा जब आप अच्छे से वो करेंगे ना प्रेस करेंगे तो बढ़िया सा ये एक अच्छा सा देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया ना। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो गाइस इस तरह मैंने बना लिए, ये देखिए 4 पंक्तियों के मैंने इधर कर लिए हैं, तो जैसे ऐसे मैंने रखा ना, तो बस इसी तरह से रखना है, एक फूल इस तरह से बनेगा, इसमें 2 फूल छोटे छोटे गुलाब निकल आएंगे, तो हमको क्या करना है आराम से ये देखिए थोड़ा सा हम ऐसे घुमाते हुए ले जाएंगे, बहुत धीरे धीरे से प्रेस करते हुए, ये आप ऐसे दबाएंगे तो वो दब भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बिस्किट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ऐसे ऐसे करके हम उठा लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो देखिए बिल्कुल गुलाब जैसा सेब आ रहा है ना, तो बस इसको हम क्या करेंगे 20 से ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक गुलाब ये हो गया, एक गुलाब हमारा ये हो गया, कितना बढ़िया सा बन गया आप देख सकते हैं, बढ़िया सा एक बिस्किट का है, कोई ये भी नहीं है, और हम इससे डेकोरेट करेंगे अपने केक को, कितना बेहतरीन गुलाब तैयार हुआ है, एक इस तरह से तैयार कर सकते हैं, और दूसरा जो बड़ा सा गुलाब हम तैयार करेंगे तो एक हम ऐसे रोल बनाएंगे थोड़ा सा गोल सा, गोल सा हम ऐसे रोल बना लेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और पहले तो हम थोड़ी छोटी छोटी पंक्तियाँ लगाएंगे, इस तरह से हम लगाते जाएंगे। ठीक है, जिधर से हम लगा चुके हैं फिर इधर से लगाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो वो चपकता जाएगा और ये थोड़ा बड़ा फूल बनेगा गुलाब का, बहुत ही बढ़िया सा फूल बन जाता है, और ऐसे हम करते करते नीचे से लगाते हुए लाएंगे ऊपर तक, अब देखिए है तो ऐसे फैलाते भी जाएंगे, छोटे 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 बड़े जहाँ से लगता जाएगा वहाँ से ऐसे ऐसे करके लगाते जाएंगे बढ़िया सा, बहुत ही सुंदर सा बनता है ये फूल, ट्राई ज़रूर करना, आप देख सकते हैं लग भी रहा है ये कि हाँ हमने इसको पार्ले जी बिस्किट से बनाया है, देखिए
और ये बन गया हमारा सबसे बड़ा फूल बना के तैयार हो रहा है, गुलाब का फूल, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा बिखरा लग रहा हो तो ऐसे ऐसे आप दबा सकते, प्रेस कर लीजिए अच्छा सा, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे फैला देंगे, ठीक है, और ये बन के तैयार हो गया लगाने के लिए। देखिए कितना अच्छा सा, इधर रख देंगे और भी हम फूल बना लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी ये गुलाब की कलियाँ बनाई हैं मैंने, हाँ, और ये देखिए ये बड़ा गुलाब का फूल बन गया है और कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है कहीं ये पार्ले जी का नहीं लग रहा ना? तो आप भी तैयार करिए इसी तरह डेकोरेट करने के लिए। अब हम देखते हैं चल के हमारे केक का क्या हालचाल है, ठीक है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं क्या हालचाल है केक का। तो वाह केक हमारा फूल गया है, मतलब हो चुका, देख लेते हैं। एक स्टिक हो तो स्टिक से, मैं चाकू से देख रही हूँ, ठीक है। वाह तो हमारी देखिए चाकू बिल्कुल प्लेन आई है, इसका मतलब हमारा केक हो गया है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और केक को हम निकाल लेते हैं। तो गाइस देखिए कितना फ्लफी, कितना बढ़िया सा केक बन के तैयार हुआ है। और जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको ठंडा करेंगे पूरी तरह और फिर इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा केक बन के तैयार हो गया बढ़िया सा। अब इसको हम इसके ऊपर से क्रीम की कोटिंग करेंगे, ठीक है। सिंगली बेस बनाएंगे क्योंकि पतला बना है, नहीं तो हम डबल लेयर इसकी लेते तो हम बना बहुत सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया सा बनाए, ठीक है। चलिए हम बना लेते हैं। 40 रुपये। तो गाइस ये क्रीम हम इस पर डाल लेंगे, जो हमने अपने हाथ से बनाई थी, और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट कोको पाउडर डाल के बनाए, अच्छे से हम प्लेन कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मस्त एकदम हमारा चॉकलेट केक बनके तैयार हो गया है। मैंने क्रीम भी पूरी तरह से क्रीम लगा दिया। अब इसके ऊपर हम फ्रूटी डाल देंगे, कलर तो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा डाल देते हैं साइड में, बीच में डाल देंगे साइड में, और ऐसे डाल देंगे। उसके बाद हम बीच में लगाएंगे एक वही जो फ्लावर बनाया था बड़ा वाला, तो सेप सही कर लेंगे, और साइड में छोटे वाले फ्लावर। और ये रहे हो बन गया हमारा घर का केक, वो भी कितना प्यारा लग रहा है गाइस, लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत सा। दूर करो थोड़ा सा। तो ये मैंने बनाया, अभी तो मैं इसको टेस्ट और कटिंग तो करेंगे नहीं, हम लोग इसको रात में टेस्ट और कटिंग भी करेंगे क्योंकि हमने तो सॉरी इसको सही कर ले पहले, हुआ नहीं तो न्यू ईयर के लिए हमने बनाया ना, तो न्यू ईयर में ही कट करेंगे, नए साल में कट करेंगे। और रात के 12 बजे जब ये कट होगा तो कल आपको देखने को मिलेगा इसका वीडियो। तो मैंने बनाना दिखा दिया, तो आप भी बनाइए फटाफट से, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। आज का अगर वीडियो पसंद आया हो, ये केक बनाने की ट्रिक पूरी क्रीमी केक कैसे बनता है मैंने बताया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो करना बनता है, तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब लोग जाने। तो नीचे करो कि ये कैसे मैंने बनाया, और फ्लावर वगैरह आप देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखिए हाँ। तो आप भी इसको बनाइए ट्राई करिए। तो चलते हैं, मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते उनका ख्याल रखो, ओके एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, बाय, नए साल की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, लव यू फैमिली, बाय। तो गाइस मैंने आज बनाया है न्यू ईयर के लिए केक, वो भी घर में बनाया, फुल क्रीम बनाया है, चॉकलेट फ्लेवर दिया है और बहुत ही चॉकलेट वाला ही केक बनाया है। और ये सारे डेकोरेट भी मैंने घर में किए हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप देखो इसको कितना खूबसूरत सा लग रहा है, और फ्लावर्स मैंने ये घर पे बनाए हैं।
तो चलो इसको देखने के लिए, और सबको पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस इन, और कल इसकी कटिंग तो कल आज रात में ही करूँगी, तो कल देखिएगा हम लोग न्यू ईयर पार्टी करने वाले हैं, इसलिए मैंने केक बनाया है, घर में बनाया है, तो इसको बना आप भी ट्राई करो, देखो मैंने कैसे बनाया है, इतना प्यारा केक लग रहा है ना, तो कट तो कल देखने को मिलेगा, तो कैसा बना है इसके पहले देखने के पहले एक काम कर लीजिएगा, मैंने कैसे बनाया है एक काम कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, तो लेट्स स्टार्टेड।